मोडल में संपन्न हुई कांग्रेस की जन आक्रोश रैली में हरियाणा के पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी की मोदी मनोहर सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि पिछले 10 साल में जनता को काफी छला गया है। जनता का मूड साफ साफ कह रहा है, प्रदेश में आने वाला समय अब कांग्रेस का ही है। रैली की अध्यक्षता कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने की, जबकि राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल, नूह के विधायक आफताब अहमद, पूर्व विधायक रघुबीर सिंह तेवतिया सहित कई कांग्रेस नेताओं ने भी संबोधित किया। होरल की अनाज मंडी की रैली में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तब प्रदेश में हर वर्ग खुशहाल था, लेकिन इस भाजपा के राज में प्रदेश बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, क्राइम और महंगाई में नंबर एक पर है। युवा बेरोजगार घूम रहा है, महंगाई सिर चढ़कर बोल रही है। हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति निवेश घटा है। प्रदेश में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा अब की बार जब प्रदेश में हमारी सरकार होगी तब बुजुर्गों की पेंशन 6000 रुपए की जाएगी, घरेलू गैस सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा, प्रदेश में खाली पड़े नौकरियों के 2,00,000 रिक्त पदों को भरकर युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, किसानों की फसलें MSP पर खरीदी जाएंगी और गरीबों को मुफ्त 100 से 100 गज के प्लॉट दिए जाएंगे। इन 10 वर्ष में हरियाणा सरकार ने, खट्टर सरकार ने होडल में, पलवल में विकास का कोई बड़ा काम किया है? बीजेपी को करो जमुना पार नारा दिया था कि नहीं दिया था? एक कहता था 75 पार, दूसरा कहता था बीजेपी करो जमुना पार। इलेक्शन का नतीजा आते ही दोनों बन गए पक्के यार बन गए। लोग विश्वासघात करके, जनता के साथ विश्वासघात करके दुष्यंत चौटाला ने समझौता कर लिया और कह दिया कि हम समर्थन दे रहे हैं को रोजगार देने के लिए। नहीं, जितनी नौकरी निकली या तो भर्ती घोटाले की भेज चढ़ गई, 30-30 बार हरियाणा पेपर लीक हुए, फिर भी एक आदि कोई लिस्ट आई तो हरियाणा से ज्यादा हरियाणा के बाहर के नौजवानों को उसमें अवसर मिला। मैं पूछना चाहता हूँ, किसी और प्रदेश की कोई लिस्ट आती है उसमें हरियाणा के नौजवानों को तो उनमें हाथों नंबर लगता नहीं। हरियाणा की लिस्ट आई, LGU की लिस्ट आई, 80 में से 78 भार के बच्चे, LGU इलेक्ट्रिकल में 99 में 77 भार के बच्चे, इस वर्ष असिस्टेंट प्रोफेसर टेक्निकल एजुकेशन में 156 में से 103 भार के, HCS लगे तो उसमें भी 36 भार के। अगर भार के नौजवानों को लगाना चाहते हो खट्टर साहब तो बाहर ही जाके वोट लेना, बाहर आपको वोट मिल जाएगी। ठीक कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा? आदरणीय हमारे हुड्डा साहब जब मुख्यमंत्री थे उनके काम देखो और इस खटारा सरकार के काम देखो, आपके सामने आ जाएगा। ये मेट्रो आई थी बल्लभगढ़ तक तो लाने वाले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, मेट्रो गई गुड़गांव तक तो उसके चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, मेट्रो गई बहादुरगढ़ तक तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से गई। वो हुड्डा साहब थे जिन्होंने 43,000 करोड़ रुपए खर्च करके इस प्रदेश में 4 बड़े बिजली के कारखाने लगाए। अगर वो 4 बिजली के कारखाने नहीं लगते तो प्रदेश में बिजली की क्या स्थिति होती, ये आप समझ सकते हैं। हुड्डा साहब 12 यूनिवर्सिटी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटी लेकर के आए, 6 मेडिकल कॉलेज लेकर के आए, एम्स का, कैंसर का इंस्टीट्यूट इस हरियाणा प्रदेश में लेकर के आए। हुड्डा साहब ने 2300 करोड़ के कॉपरेटिव के कर्ज माफ करने का काम किया, गरीबों के 485 करोड़ हरिजन कल्याण निगम और बैकवर्ड क्लास निगम के कर्ज माफ करने का काम किया। गरीब विरोधी सरकार है ये, मजदूर विरोधी सरकार है इसके। जो आप अगर इसको क्या मानेंगे देखोगे तो ये कहीं भी सहन नहीं करते। हरियाणा के अंदर, हमारे इस जिले के अंदर, फरीदाबाद का बता दिया, चाहे वो बदरपुर का पुल हो, चाहे ESI का मेडिकल कॉलेज हो, चाहे YMC का यूनिवर्सिटी हो, चाहे ग्रेटर फरीदाबाद हो, और चाहे पलवल के अंदर जो विशाल जो मिनी सेक्टर बनाया, जो जुडिशियल कम्प्लेक्स बनाया, पलवल के अंदर डॉक्टर अम्बेडकर जी के नाम से कॉलेज बनाने का काम किया, होडल में मिनी सेक्टर बनाया, होडल में जुडिशियल कम्प्लेक्स बनाया, होडल में अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, किसान मजदूर गरीब होता जा रहे हैं। ये तकलीफ हमारे को आज मेरे को याद है
मैं एक दिन यहां आया था, पलवल में चौधरी करण सिंह सवाल जी ने जलसा कराया और उन्हें कहा कि ये हमारा इलाका जो है पलवल का इलाका, यहां ध्यान कम होता है, इस वास्ते इसको अलग जिला बनाया जाए। उसी जलसे में मैं कह गया था पलवल जिला बनाएंगे, हम याद होगा चरण चरण सिंह यहाँ बैठे, इस वास्ते बनाया था कि तेजी से आगे प्रगति के लिए इलाका आगे जाए और बढ़े। लेकिन इस 9 साल में है सुरक्षित, अगर मेरे आंकड़े नहीं है ये, केंद्र सरकार के आंकड़े हैं, हरियाणा प्रदेश असुरक्षित प्रदेश है, महिलाओं के लिए सेफ नहीं है और महंगाई में नंबर एक है, मैं बता चुका। तो ना तो रोजगार है, ना किसान की आमदनी है, हर एक काम जरूर करते हैं ये, रेट तो नहीं बढ़ाते, रेट नहीं बढ़ाते फसल का, लेकिन वेट घटा देते हैं। जो कट्टा 50 किलो का था आज 40 का कर दिया, पहले 45 किया, 5 किलो और घटा दिया, रेट नहीं घटा, वेट घटा देते हैं। ये आपके सामने सरकार आने पर अपने बुजुर्गों की पेंशन 6000 रुपए महीना करेंगे, 6000 बुजुर्गों से और बिजली का खर्चा बढ़ गया, जो एलपी के रेट बढ़ा रहे हैं, 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे महीने की। और इसी प्रकार से ये हमारी बहने हैं, आजकल कोई लकड़ी पे खाना नहीं बनाता, गैस के चूल्हे में बनाता है। जब हमारी सरकार थी गैस की सिलेंडर की कीमत 400 थी, अब होगी 1100। अगर हमारी कांग्रेस की सरकार आएगी तो गैस के सिलेंडर कीमत 500 से ज्यादा नहीं होगी। नौकरियां खाली है, पक्की नौकरियां, कौशल रोजगार निगम बना दिया है इन्होंने, कच्ची नौकरियां देने के लिए, कच्ची नौकरी देते हैं वो, ठेके की नौकरी देते हैं। अरे हमने तो ठेके बंद किए थे, ये सरकार को ठेकेदार बन गई, ना उसकी पेंशन, ना पक्की नौकरी और ना उसकी आगे कोई गारंटी, ना मेरिट, सब जानलेवाजी करे। एचपीएससी दफ्तर में करोड़ों रुपए पकड़े गए, कोऑर्डिनेट सर्विस कमीशन में क्या क्या कमला हुआ, इस बात की चर्चा करने की जरूरत नहीं ना। और इस प्रकार अग्निपथ लेके आगे, अग्निपथ में क्या है, अग्निवीर 4 साल, 18 साल का लड़का भर्ती होगा फौज में, 22 साल का वापस आ जाएगा, और 21 साल से कम शादी नहीं कर सकता। जब वो 21 का होगा तो कौन उसकी सगाई लेके जाएगा भाई, पहले तो फौज में भर्ती होते सगाई लेने चलाया करता, पेंशन मिलेगी, बच्चे पढ़ेंगे, रिटायर होगा, 22 का तो वापस आ जाएगा, तो लड़के कौन उसकी सगाई करेगा। ये परिस्थिति के गाँव में मजाक किया जा रहा है लोगों से। तो भाई हमारी सरकार आएगी तो 2 लाख पक्की नौकरी खाली है, उन लोग नौकरियां लगाएंगे 2 लाख बच्चों की, और जो बच्चे हैं उनको पक्का करेंगे, और बहुत सारे कई सफाई कर्मचारी अब तक कच्चे हैं, 10-10 साल से, 12-12 साल से, ये आपके सामने है। इन्होंने स्कीम बंद कर दी 100-100 करोड़, 3,85,000 दिए थे, जिनकी सरकार को 7 साल होने हो गए, 9 साल से ऊपर हो गए, सारे बैठे हैं भाई। एक आदमी जो इन्होंने 100 गज का प्लॉट दिया हो तो गांव का नाम और आदमी का नाम बता दो। इस साल में हमने 3,85,000 दिए, पीने के पानी के लिए 10 लाख, 500 लीटर की टंकी दी, और टंकी के फिट करने के लिए 51 रुपए दिए, इनने कुछ दिया भाई, कोई टंकी दी। हरियाणा प्रदेश है 2014 में प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरियां देने में, कानून व्यवस्था में, खेल और खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर एक था। आज 9 साल की 9.5 साल के बाद क्या है, इस चीज में नंबर एक है हमारा हरियाणा। आज पूरे देश में हरियाणा बेरोजगारी में नंबर एक है, महंगाई में है, और कानून व्यवस्था की तो चीज ही नहीं, अपराध में कहां से कहां पहुंच गया। कोई दिन नहीं जाता जिस दिन वारदात ना हो, कत्ल ना हो, लूट ना हो, धमकी ना मिले, ये कानून व्यवस्था। और खेल और खिलाड़ियों में
आपने देखा इस प्रकार से हमारी बहन बेटियों को सीटा क्या देती है, जो हम कहते हैं वो करते हैं। पहले भी ऐसी क्या जो काम तो क्रीमी लेयर भाई जो है 6 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करेंगे हम, ताकि सबको इस प्रकार का लाभ पहुंचे और गरीब आदमी का, हर गरीब आदमी का पीला कार्ड होगा हमारे लिए आपके सामने। और खिलाड़ियों का जो हमारी पॉलिसी थी पदक लाओ पद पाओ, वही फिर से शुरू करेंगे। ये काम हमने करना है, बहुत सारे काम है जो हमें करने हो, मेरी कैसे होगा वो हम करेंगे। लेकिन एक काम मैं आपको भी कह रहा हूँ, वो आपको करना है हमारे लिए, क्या यहाँ से उदयवान जी है हमारे, अब मेरे को उदयवान जी की पूरे हरियाणा में जरूरत है भाई, सरकार बनानी है तो ठीक है ना, अब पूरे हरियाणा में जरूरत है तो भाई यहाँ से तो आप इजाजत देनी पड़ेगी। उदयवान जी को कह दो कि तेरा चुनाव हम लड़ेंगे, तू हरियाणा में हमारे लीडर, मजबूर है ये बात, आप खड़े करके बता दो मजदूर भाई। उदयवान जी को मामा अपने साथ ही रखूंगा पूरे हरियाणा में, ठीक है ना, जिनका चुनाव आपने लड़ना है ठीक है। और भाई आखिरी बात ये है, इस सरकार से टक्कर लेने का मेरा मन हो रहा है, इस टक्कर लेने में मेरा साथ दोगे, मंजूर भाई साथ दे दोगे, आज के लिए करके बता रहे हूँ साथ देंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। साइड में जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और एक्स हैंडल यानी कि ट्विटर हैंडल पूर्ण नाम है, इसको आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में जाके प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।